फाटक बंद होगा तो भाई मैं उस साइड आ गया था, पार्थ वही रह गया लेट। तुमने फाटक टाइम पे वो नहीं क्रॉस करा। तुम जल्दी भाग के आगे, अब देखो कहाँ फंसे हुए हो, गेट कहाँ है ये रहा। वेलकम बैक टू एलटी व्लॉग्स, एक बार फिर से मैं बोल रहा था वैसे, बट कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मौसम हो रहा बहुत प्यारा, और मौसम ही अकेला सही नहीं है। आज हम ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का T20 मैच देखने जा रहे हैं। पूरे के पूरे 3 साल बाद इंटरनेशनल क्रिकेट मैच हो रहा है पर्थ में, तो भाई बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं भी, क्योंकि हमने आज तक KFC और बिग बैश वगैरह के मैचेस देखे हैं, बट इंटरनेशनल मैच भाई हमने देखा नहीं, तो आज वो देखने जा रहे हैं। हमें कैसा लग रहा तुम्हें? हमें लग रहा, हम तो एक्साइटेड हैं, बट भाई लोकल पब्लिक भी, जनता भी ना काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होगी। और इतना ज़्यादा गैप हो गया ना मतलब क्रिकेट में, और कोविड के टाइम पे WHO तो था ही कि अलग कंट्री में थे, तो अलग सेटलमेंट है उसकी। एक्चुअली हम जा रहे हैं आज ट्रेन से, फिर आप ये सोच रहे हो कि ट्रेन से क्यों जा रहे हैं जब इन लोगों के पास ऑलरेडी कार है। उसका रीज़न भाई एक सिंपल, बहुत बड़ा रीज़न है उसका, बहुत बड़ा रीज़न है बट काफ़ी सिंपल रीज़न है वो कि एक तो ऑप्टस के आसपास कोई एक्चुअल पार्किंग नहीं है, तो आपको दूसरी जगह पे पार्क करनी पड़ती है, उसके बाद आपकी काफ़ी लंबी वॉक होती है, और इतने में हमारा मैच स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि हम लेट आए एज यूजुअल। तो हमारा घर है भाई ट्रेन स्टेशन के पास, तो हमने सोचा ट्रेन से चलते हैं, क्विक फायर, अपना काम ईजी हो जाएगा, और यहाँ के लोकल लोग मोस्टली ट्रेन से ही जाते हैं। और भाई जिस जिस दिन मैच होता है ऑप्टस स्टेडियम में, सारी टिकट्स फ्री होती हैं, तो आपको ट्रेन में ट्रैवल करने के लिए कोई टिकट की जरूरत नहीं है। बाकी प्लेटफॉर्म पर चल के बात करते हैं, तो जो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की T20 सीरीज़ है, इसमें 3 मैच है, पहला पर्थ में, दूसरा पता नहीं कहाँ है, और तीसरा भी पता नहीं कहाँ है, बट बेसिकली यही 3 मैचेस हैं। ये वार्म अप है उसके लिए वर्ल्ड कप के लिए, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि दोनों साइड्स काफ़ी बढ़िया खेले, और इंग्लैंड पाकिस्तान में सीरीज जीत के आ रही है वो काफ़ी हाई ऑन कॉन्फिडेंस होगी, ऑस्ट्रेलिया होम पे वेस्ट इंडीज़ को हरा के आ रहे तो वो भी हाई ऑन कॉन्फिडेंस होगी। तो तुम्हारी बैट किस पे? मेरी बैट किसी पे नहीं, मैं चाह रहा हूँ मैच एंटरटेनिंग। तुम्हारे कपड़े कहाँ? येलो भी नहीं पहना तुमने, हम ऑस्ट्रेलिया रहते हैं। मेरी येलो टी शर्ट गंदी पड़ी हुई थी। तो ग्रीन क्या समझे मैं, दक्षिण अफ्रीका? देखो अगर तुम याद करो अर्ली 2000s में ना भाई ऑस्ट्रेलिया की भी ना ग्रीन कलर की किट होती थी। बिल्कुल बिल्कुल, सम वो हूं मैं, अग्री हूं इस बात से। कस से वो था सिंबल। तो भाई ट्रेन आ चुकी है, शोर हो रहा है, तुमसे थोड़ी देर रुक के बात करते हैं। भाई लिटरली 2 साल हो गए मैं ऑस्ट्रेलिया में रहते हुए, बट पहली बार ट्रेन में खड़े होकर जाना पड़ रहा है क्योंकि भरा पड़े स्टेशन, सॉरी ट्रेन। ये आ रही ना पूरी दिल्ली वाइब्स, भीड़। ये ना तो उसका कौन सा स्टेशन था, वोटा ग्राउंड वाला, राजीव चौक की वाइब्स दे रहा भाई। स्टेडियम आ चुके हैं, पहले भाई भीड़ दिखाओ, इतने लोग ना मेरे डोमेस्टिक मैचेस में नहीं देखे जितने आज हमें इंटरनेशनल मैच देखना है। क्या तुम्हें इसका रीजन पता है? नहीं। 3 साल बाद व्हाइट बॉल क्रिकेट इज बैक टू पर्थ, एंड इसलिए आई थिंक ऑस्ट्रेलियंस भी को इंडियन भी बहुत दिख गए हैं जो ऑस्ट्रेलिया को इंटरनेशनल मैच देखने आए हैं। बट भाई हमारे यहाँ मैच देखने का रीज़न सिर्फ एक है कि हमें इनकी टीम को इवेल्युएट करना है कि ये कितनी ज़्यादा परफॉर्मेंस अच्छी दे सकते हैं, क्योंकि वर्ल्ड कप में देखो ऑन पेपर फेवरेट हमारा देश रहता है जैसे पिछले बार भी था, बट ऑस्ट्रेलिया ने आउट ऑफ द बॉक्स एक ऐसी परफॉर्मेंस दी थी जो मतलब कोई क्वेश्चन नहीं कर पाया। तो आज हम इवैल्यूएट करेंगे कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया कितने पानी में है, कितनी उनकी परफॉर्मेंस है। बाकी ये है ऑप्टस स्टेडियम आपके मेरे पीछे, और ये काइंड ऑफ हमारा सेकंड होम बन चुका है क्योंकि मेरी ये 6th ट्रिप है यहाँ पे। 4 मैंने बिग बैश के मैचेस देखे थे, यानी कि तो मैंने एक हमने फ्रीमेंटल डॉकर्स के AFL मैच देखा था क्योंकि बिल्कुल रद्दी निकला था, और आज हमारी 6th ट्रिप है पहला इंटरनेशनल मैच देखने के लिए। तो कैसा लग रहा है तुम्हारे कुछ शब्द, चंद शब्द? मैं एक्साइटेड तो बहुत ज़्यादा हूँ, मतलब लेकिन अभी मेरे को जा रहा हूँ बहुत जल्दी से वॉशरूम। बट ये है कि डोमेस्टिक मैचेस हमने बहुत देख लिया यहाँ पे, आज हम पहली बार इंटरनेशनल मैच देखेंगे वो भी ऑस्ट्रेलिया, जो कि हमारा सेकंड होम मान के चलता हूँ मैं। तो आई होप इट्स अ गुड मैच, और 220 बनाते दोनों टीमें, पूरे पैसे वसूली हो जाएगी। अब वर्ल्ड कप के एडवर्टीजमेंट ऑलरेडी स्टेडियम के बाहर आ चुकी हैं, दिस इज द बिग, अरे लो एडी चेंज कर दी, नो प्रॉब्लम। तो भाई बात ऐसी है कि हम एक्चुअली अपने एक फ्रेंड का वेट कर रहे हैं जो काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका है, और सारी टिकट्स जो है वो मेरे फ़ोन में है, मेरे पास हैं, तो मैं फिर भी उसका वेट करूंगा एक पर्टिकुलर टाइम तक। अगर वो लेट हो रहा होगा तो भाई उसकी टिकट्स उसको भेज देंगे और हम अंदर चलेंगे, क्योंकि मैं पहली बॉल जो है वो मिस नहीं करना चाहता। तो भाई मैच शुरू होने से पहले हम वेदर की एक्सपर्ट टिप्स लेंगे हमारे एक्सपर्ट के साथ। तो सर पिच रिपोर्ट और वेदर रिपोर्ट क्या है आज की? सबसे पहले देना चाहूँगा भाई पूरी की पूरी वेदर रिपोर्ट, जैसे कि देख सकते हैं बारिश का मौसम हो रखा है, हवा काफ़ी अच्छी चल रही है,
तो हम ज्यादा से ज्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो फास्ट बॉलर्स हैं मिचेल स्टार्क, उनके लिए ना ये काफी बॉलिंग डालना काफी अच्छा होगा क्योंकि वो टीम हो गया आज गेम। तो टॉस जीत के गेंदबाजी लेना प्रेफर करेंगे लोग, कप्तान दोनों। और अगर ऑस्ट्रेलिया ने गेंदबाजी ले ली तो हमारे सारे के सारे पैसे ऑस्ट्रेलिया पे लग जाएंगे टू विन द मैच। तो कितना लगा रहे हैं आप आज स्पोर्ट्स बेट पे, कितने पैसे लगा रहे हैं आज आप? $100 ग्रैंड, $100 ओनली। ठीक है, 100 आपके 100 मेरी तरफ से भी लगा देना, फिर 200 हो गए आपके। इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करें तो आज हम मोटा मोटा 12,000 से 10,000 डॉलर तक, 10,000 हम सट्टेबाजी करने वाले हैं, क्योंकि अगर हम जीत गए तो वो एक का डबल हो जाएगा। तो बट गाइस गैम्बल रिस्पॉन्सिबली, वो तो हम करते नहीं कभी। भाई अंदर आते हमें एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा थी कि हम पहला ओवर देखने बैठकर शॉट ले आए नहीं, आप शॉट देख सकते हो और कितनी प्राइम लोकेशन पे बैठे हैं। भाई जैसे कि हमने बताया था कि इंग्लैंड आर एक गुड शॉट था ब्रो, ये छोड़ो मैं हमने हमें लगा था भाई बॉलिंग पे काफी अच्छी पिच होगी, बट इंग्लैंड के बैट्समैन ने काफी अच्छी शुरुआत दे दी है। हाँ उनके कुछ 28 रन हो गए हैं, कितने ओवर में? 3 ओवर। खैर फर्क नहीं पड़ता। और जैसे कि हम लोग कहते हैं कि भाई यहाँ पे बैटिंग का क्रेज अलग लेवल पे, ये देख रहे हो हर जगह पे 365 बैट 365। तो अगर आप भी बैटिंग करें तो बैट 365 पे बैटिंग करें, सिर्फ काफी अच्छा रेट मिलेगा आपको। कल भी चटका दे किल्ली, किल्ली चटकाने गई थी तो भाई रन पड़वा रहा है भाई, बहुत तेज खेल रहे हैं, क्या कीजिएगा। 200 मार देंगे इस हफ्ते तो। वैसे अगर 200 हो जाए तो हमारे पैसे वसूल हो जाएंगे आज पूरे। भाई वो सेक्शन देख रहे हो वहां पे सिर्फ इंग्लैंड के लॉयल्स फैन बैठे हैं, वैसे ऑस्ट्रेलिया में इंग्लिश लोग बहुत ज्यादा हैं, बट स्टिल इंग्लैंड का सपोर्ट आज मुझे ज्यादा लग रहा है ऑस्ट्रेलिया से। पावर प्ले बहुत ही सेक्सी गया इंग्लैंड का, स्कोर 58 फॉर 2 लॉस ऑफ 5 6 ओवर। वो मैं चाह रहा हूं कि हाई छक्का मार दे जरा। धागे खोल दिया इनकी टीम के, 44 of 20। तो भाई अब बॉलिंग कराएंगे लोकल टैलेंट यहाँ के जो पर्थ डब्ल्यू में बॉर्न एंड ब्रॉट अप है, मिस्टर मार्कस स्टोइनिस। ये देखे एक बार, देख रहा है ज्यादा क्लैरिटी। दोनों ओपनिंग बैट्समैन की हाफ सेंचुरी चुकी है और लिटरली भी 10 ओवर भी नहीं हुए हैं। अकॉर्डिंग टू द स्टैट इंग्लैंड की सबसे बेस्ट स्टार्ट हुई है इन एनी T20 गेम। स्कोर देख सकते हो 118 हो चुकी है 10 ओवर के अंदर, बटलर कर चुके हैं 63, एलेक्स हिल्स 53। क्या लग रहा है कितना प्रोजेक्टेड स्कोर बना देंगे आज ये? 200 प्लस तो है ही, ये तो लिख के दे सकता हूँ मैं। 220 या 230? 220। चलो ठीक है, लेट्स सी। वो देखो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छा यूज हो रहा है। इस पे बैठ सकते हैं क्या? बिल्कुल बंद, बहुत गलत बोल दिया। भाई बहुत ज्यादा धुलाई हो गई है इंग्लैंड की, आई मीन ऑस्ट्रेलिया की। और ये पहला ब्रेक थ्रू मिल चुका है। तो कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है पहले विकेट के बाद? मैं खुश हूं लेकिन बटलर काफी अच्छा खेल रहा है। हां यार बट मैं चाह रहा था एलेक्स खेल आउट हो जाए, बट नो प्रॉब्लम। तो इसी के साथ दूसरी विकेट गिर चुकी है, बैच नॉक आउट हो गए हैं। ये कह रहा होगा ऑफ की बॉल नहीं छोड़ी बैच। भाई बहुत ही शानदार खेल के गए हैं एलेक्स हिल्स, इनके आउट होते मेरे को बहुत दुख हुआ था, बट ही वाज प्लेइंग नाइसली।
सर कुछ लेना पसंद करेंगे आप? बिल्कुल, आई विल टेक वन बियर। चार बियर, एक ड्रिंक, तीन स्नैक्स। ये ग्रीन टी कौन पी रहा है? रन, इट्स आइस टी। आइस टी चल ठीक है। तो इसी के साथ इंग्लैंड की इनिंग्स खत्म हो गई है। 208 का टारगेट है। तो भाई लास्ट सीजन बिग बैश में फोर्चेस जीत गई थी, मेंस में भी और वुमेन्स में भी, तो उनके टाइटल की प्रेजेंटेशन आज की जा रही है यहाँ पे। तो भाई इंग्लैंड की फील्डिंग पे सारे ऑलमोस्ट बंदे आ गए हैं, अपने बैट्समैन भी आ गए हैं। कैमरन ग्रीन से बहुत ज्यादा उम्मीद है और डेविड वार्नर से तो भाई हमेशा उम्मीद रहती है। डेविड वार्नर स्ट्राइक पे है, कुछ कमेंट्स इसके लिए? मैं बता रहा हूँ, ये पहले के 6 ओवर के अंदर 60 रन बना के खत्म कर देंगे मैच और आउट हो जाएंगे। फिर इसके बाद आउट हो जाएंगे। पहली विकेट आ चुकी है बहुत जल्दी, कैसा महसूस हो रहा है? इंडियन बॉलर को फेल सकता है, यहाँ नहीं फेल पाया। तो तुम मतलब इंडियन बॉलर की बेइज्जती कर रहे हो इनडायरेक्टली? ऑस्ट्रेलिया वार्नर बिल्कुल फायर पे है, 11 बॉल में 30 रन मार चुके हैं। काफी बिग छक्का मारा अभी मिचेल मार्श ने। भाई मिचेल मार्श आउट हो गया, बहुत ज्यादा गलत हो गया ये। अनिकेत भाई रो दिए हैं जब आउट हुआ वो। अरे मेरे को काफी अच्छा लगता है ये, बस फर्स्ट क्वार्टर फर्स्ट क्वार्टर इसका। कैन यू लव मी अगेन। बाउंड्री के पास खड़े हैं बेन स्टोक्स। हाफ टाइम अपडेट देते हुए ऑस्ट्रेलिया के 96/2 हो चुके हैं 10 ओवर में। इंग्लैंड के से ज्यादा थे बट हमारे वार्नर भाई अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं। व्हाट डू थिंक, क्या लग रहा है कौन जीतेगा मैच? अरे मैच ऑस्ट्रेलिया जीत गई है, बता दिया मैंने। इंग्लैंड के तो 120 हो गए 10 ओवर में, बाकी उनके लास्ट में लग जाना लगेंगे। तो भाई एक्चुअली और इस शॉट के साथ वार्नर के 50 रन पूरे हो गए, हाफ में आ चुका है वो 50 और मार्कस टोनेस को घायल कर दिया गया। पैर पे दे दिया दूसरा, नाइस फाइन इसका। बहुत ही उम्दा पार्टनरशिप चलती हुई, 51 जी है 35 गेंदों पे। आई आउट हो गया बट अपना डैमेज जो था वो कर गए हैं। डेविड आ गया। अरे गुड लैड।
टिम डेविड द डेंजर मैन. भाई बहुत बढ़िया खेले वार्नर आज. भाई सैड टू से बट ऑस्ट्रेलिया के विनिंग चांस हर बॉल के साथ कम होते जा रहे हैं. 5 रन बहुत ज्यादा सैड हो गया यहाँ पे. विनिंग मोमेंट है, विनिंग मोमेंट है. ओके छक्का रहा ऑस्ट्रेलिया. यहाँ मैच की डिफीट हो सकती है. तो भाई इसी के साथ मैच हार चुके हो. काफी क्लोज था. Swiss ball by Sam Curran. Try to finish it with 9 for 200. England claims victory at Perth Stadium. So, bhai, final decision aa chuka hai and England har gayi hai. Sorry, jeet gayi hai. But bhai, match ke mamle mein koi sabse exciting match. Sabne kafi matches dekhe yahan pe. But sare domestic matches se better aaj ka match tha. 208 mare. Humne kitne mare? 200 भाई. ये है हमारे आज के मैन ऑफ द मैच. बहुत ही सही इनिंग्स टीम की. गेम चेंजिंग इनिंग्स. मैंने आपको आते समय दिखाया था कि ट्रेन भरी पड़ी थी बट इस समय तो इतनी भरी पड़ी है. ज्यादा बड़ी पड़ी है इस बार. बाहर से कोने में घुसा पड़ा मैं. इस कोने में हूँ. 30 डिग्री के एंगल पे लीन ठीक है क्योंकि जगह नहीं है खड़े होने की. पूरी भीड़ से पूरी ज्यादा भी पड़ी हुई. पता नहीं आपको मेरी वो दुख से आ भी रही होगी नहीं कि नहीं बट ये हाल है. बाहर का नजारा फिर भी दिखा सकता हूँ मैं आपको. हम बिल्कुल अभी स्टेशन से घर की ओर वॉक करते जा रहे हैं. तो हमने कहा आपको एक फटाफट क्विक फायर रिव्यू सा दे देंगे हमारा दिन कैसा था. दिन वैसे बहुत ही अच्छा था और हाँ मैच भी बहुत अच्छा था. बट अब इन डेप्थ एनालिसिस तुम्हें देंगे ये वाले. तो भाई मैं सबसे पहले बात करूंगा मैच की. मैच इन शॉर्ट काफी अच्छा लगा मेरे को. अगर ये लो स्कोरिंग मैच होता ना भाई तो मेरे मन में 100 गालियां और 10 times दुख निकल जाते हैं दोनों टीम के लिए. दोनों टीम के लिए क्योंकि अगर हम जीत जाते लो स्कोर पे भी तो चलो चलता है कि चलो ऑस्ट्रेलिया जीत गई यार. बट हारे भी तो एकदम 8 रन से हारे तो चलो कोई दिक्कत नहीं. एंटरटेनिंग मैच था. और बट लेकिन दोनों टीम के साथ ना एक चीज हुई है. इंग्लैंड भी बहुत सही फायर पे स्टार्ट हुई थी. 14 ओवर में आए थे उनके 160 165 हो भी गए थे बट लास्ट में वो ढह गए.
बहुत सेम सिचुएशन ऑस्ट्रेलिया के साथ भी हुई, 15-16 ओवर तक इनके पास भाई 6 या 7 विकेट इन हैंड थी, सडनली उनका डाउनफॉल है और वो मतलब दोनों ने ये डिसाइड कर रहे थे कि कौन हार सकता है, मतलब ये था एक्चुअल बैटल लास्ट में ना वो कि डिफीट कौन ले सकता है। ऐसी पोजीशन से आ रहे हैं कि 22 रन चाहिए 12 गेंदों पे भाई, 22 हाँ सही में 22 रन चाहिए थे 12 गेंदों पे, वेड था और डैनियल सैम्स भी था उस टाइम पे, बट उन अगली 12 गेंदों में 4 दोनों ने विकेट गवा दी, 4 डॉट बॉल दे दिए, लास्ट में आते थे भाई पे इतना प्रेशर आया कि कुछ कर ही नहीं पाए क्या कीजिएगा कुछ कर ही, बट भाई नो रिग्रेट्स, आज के मैच काफी एंटरटेनिंग था, हाई स्कोरिंग भी था, टोटल 408 रन का हमने मैच देख लिया, तो आई थिंक पैसे तो वसूल हो गए हमारे। एंड ओवरऑल मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन ये है कि लाइक हमने डोमेस्टिक मैचेस काफ़ी देखे यहाँ पे, बट इंटरनेशनल मैच का जो भाई फन है ना, इवन दो हम ऑस्ट्रेलियन नहीं है बट जो फन था भाई वो मतलब कांट से, क्योंकि काफ़ी एक्टिव क्राउड था भाई, सारे के सारे शोर मचा रहे थे, एंथुसियाज्म तो था ना भाई अलग ही लेवल का था, हर बंदा मौज कर रहा था। सो गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो, काफ़ी क्योंकि समर में क्रिकेट के मैचेस होते हैं तो काफ़ी टाइम बाद हम क्रिकेट के स्टेडियम में गए थे, एंड एज यू नो समर ऑफ क्रिकेट स्टार्ट होने वाला है तो T20 से लेके डोमेस्टिक मैचेस से लेके बिग बैश से लेके वर्ल्ड कप से लेके जितने मैच भी हमारे से पॉसिबल हुए जो बजट में हुए जितने भी पर स्टेडियम में है सारे जाके तुम्हें कवर करवा देंगे। तो भाई अगर आपको उन सब के ऊपर वीडियोस चाहिए तो इस बार कमेंट सेक्शन आग नहीं लगानी है इस बार कमेंट सेक्शन में बैट या बॉल के इमोजी चिपका देने, ठीक है, उससे पता लग जाएगा कि जितने भी आगे फ्यूचर मैचेस हो रहे हैं, बिकॉज आई एम प्रीटी श्योर ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज के मैचेस भी होंगे और वर्ल्ड कप तो हो ही रहा है, तो जस्ट स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, सी या।